बेटियां अपने माँ बाप की बड़ी लाडली होती हैं। बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार मिलता है जी, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हमारे घर में ऐसा है कि बेटियों को बेटों से ज्यादा प्यार मिलता है। आपके वहां पे क्या रिवाज है क्या नहीं है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो हे गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है। नताला के स्कूल में फंक्शन है तो उसको मैंने राता बना दिया हुआ है, तो सुबह सुबह उसको हेड वॉश करके तो उसको रेडी कर दिया मैंने। तो उसके बाद हमारे जम्मू वाले चाचा चाची जी आए हुए थे और घर में नोन के लगी हुई हैं। जब सारी फैमिली इकट्ठी हो तो मजा भी आता है। आज हमारे घर में आई है जम्मू वाली दादी। फ्रेंड्स, चाचा चाची को सी ऑफ करने के बाद हम लोग चले गए मेरे मायके, मतलब बच्चों के नानी घर, क्योंकि उनका मन था कि नानी घर जाना है और बच्चों को हॉलीडे थी नेक्स्ट डे, तो हम लोग चले गए नानी के घर। तो वहां पे जाते ही बच्चों ने पहले नानू से डिमांड की कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो हमने आइसक्रीम वगैरह खा के खाना वाना खा के, तो मेरा भाई शॉप बंद करके आया तो मुझे बोलता है कि चलो बच्चों को लेके चलो कुछ खा के आते हैं बाहर। तो हमारे घर के पास ही एक कार्ट लगा हुआ था तो वहां पे जाके हमने स्नैक्स वगैरह लिए। खाना खाने के बाद हमने काफी स्नैक्स की खाए। आपके मायके से ससुराल का डिस्टेंस कितना है? मेरा तो सिर्फ 2 किलोमीटर का है। तो हमारा पनीर डोसा बन रहा था, तब तक हमने खाए स्प्रिंग रोल और गोलगप्पे। तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी काफी दूर है तो वो वहां पे गए हुए थे, तो हम लोग नानी के घर आए हुए थे। तो शाम को हम लोग चले गए मंदिर में, तो मंदिर में देखो मंदिर के बाहर कितनी फिशेज है। तो बच्चों ने आटा लिया हुआ था तो फिशेज को डाल रहे थे। तो जैसे हम मंदिर से घर आए तो घर आके बच्चों को पता चला कि पापा घर पे आ गए हैं। तो नताल्या पापा से चिपक के रो रही थी कि आप हमें इतने दिन छोड़ के क्यों चले जाते हो, हम उदास हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।